डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग इन इंग्लिश इस टॉपिक को लेकर के ये वीडियो है सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश 2023 एग्जाम्स। ये स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। आप लोगों को रिपोर्ट कितनी बड़ी लिखनी होती है, एक्चुअली 120 से लेकर के 150 वर्ड्स इतनी बड़ी आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। एग्जाम्स में वर्ड्स गिनने के चक्कर में कभी मत जाना। मान लो आप एक लाइन में लिखते हो 10 वर्ड्स, तो आपने लिखना है 12 से 15 लाइंस तक। इसके आगे लिखना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मान लो आप 200 वर्ड्स में लिख देते हो, तो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आप लोग एग्जामिनर्स को दे रहे हो, तो आप खुद कह रहे हो कि निकालो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स, निकालो हमारी ग्रामर मिस्टेक्स। तो जितना कहा गया है उतना ही करना है। 120 टू 150 वर्ड्स है, तो इसके अंदर ही आप लोगों ने लिखना है। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम्स में होता है। ओके, इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि किस तरह से हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बुक फेयर इन औरंगाबाद इस टाइटल को लेकर के हम लोग एक बढ़िया सी रिपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज में बनाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उसका आंसर बनाते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा। इतने बढ़िया तरीके से ये एक्सप्लेनेशन होने वाला है कि आप लोग रिपोर्ट राइटिंग ये टॉपिक अपने दोस्तों को समझा सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, चार वर्ड्स में डेफिनेशन हो गई। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, मान लो आपने बाहर कोई इवेंट देखे और घर पे आके आप अपने भाई को उसकी डिटेल्स दे रहे हो। ओके, तो एक रिपोर्ट क्या होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, बात होती है किसी चीज़ के बारे में। रिपोर्ट्स दो टाइप्स की होती हैं जो सीबीएसई एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक तो है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट और एक है फंक्शन की रिपोर्ट। जनरली न्यूज़पेपर की रिपोर्ट जो होती है वो किसी एक्सीडेंट को लेकर के होती है, और जो फंक्शन की रिपोर्ट होती है तो वो या तो किसी फंक्शन के बारे में होती है, या कोई प्रोग्राम कहीं पर सेलिब्रेट हुआ, किसी शॉप का इनॉग्रेशन हुआ, इस टाइप को लेकर के होती है। फंक्शन वाली रिपोर्ट जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, हमको डेट देनी होती है, टाइम, प्लेस, फंक्शन, प्राइस, ओकेजन, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सिस्टमेटिकली हम लोग देखते हैं, जब हम लोग बनाएंगे रिपोर्ट तब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, चार अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको मिला करके एक रिपोर्ट बनती है। सबसे ऊपर आपने हेडलाइन लेना है। हेडलाइन कहाँ से लाओगे आप, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हेडलाइन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगी। उसके बाद बायलाइन होती है, उसके बाद कंटेंट होती है यानी डिटेल्स लिखते हो आप, और एक्सप्रेशन यानी फिर आप धीरे धीरे एंड की तरफ जाते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल दिया बुक फेयर इन औरंगाबाद। टाइटल कहाँ से आया, क्वेश्चन से मिला है हम लोगों को। बाद में हम लोगों ने बाय लाइन में लिखा कि ये वाली जो न्यूज़ है, ये वाली जो रिपोर्ट है, तो ये किस बंदे के थ्रू आ रही है। हमने लिखा बाय माजिद शेख, स्टाफ रिपोर्टर। आप यहाँ पर कोई भी इमेजिनेटिव नाम डाल सकते हो, बाय रोहित शेट्टी, स्टाफ रिपोर्टर, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। आगे हम लोगों ने लिखा दिस संडे आई विजिटेड अ बुक फेयर इन औरंगाबाद विथ माई सिस्टर, कि अभी इस संडे की बात है, मैंने औरंगाबाद में एक बुक फेयर में विजिट दी और वहाँ पर मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी। एज इट वॉज संडे, क्योंकि संडे था, देयर वॉज क्राउड, ह्यूज क्राउड, तो वहाँ पर भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। काउंटलेस पब्लिशर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैड टर्नड अप देयर, पूरी कंट्री से कई सारे पब्लिशर्स वहाँ पर आ गए थे। देयर वर डिफरेंट सेक्शंस फॉर डिफरेंट बुक्स, कई तरह की बुक्स थी, कई तरह के वहाँ पर सेक्शंस थे, और चिल्ड्रंस बुक्स, बुक्स ऑन कुकिंग, बुक्स फ्रॉम इंडियन पब्लिशर्स एंड सो ऑन, अलग अलग कैटेगरीज में वहाँ पर बुक्स थे। द मोस्ट डिमांड वॉज फॉर बुक्स फॉर चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा डिमांड में अगर वहाँ पर कोई सेक्शन था तो वो चिल्ड्रन वाला था, जहाँ पर बच्चों की किताबें होती हैं। एंड इट हैड द बिगेस्ट स्टॉक, और सबसे बड़ा स्टॉक भी उन्हीं बुक्स का था जो बच्चों के लिए होती हैं। अब यहाँ पर आप जो न्यूज़ लिखोगे, जो रिपोर्ट लिखोगे, उसे अलग अलग तीन एक पैराग्राफ्स में आप लोगों ने बांटना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर डिफरेंट स्टेशनरी शॉप्स एज वेल, और बुक्स के अलावा वहाँ पर कुछ स्टेशनरी शॉप्स भी थे, क्योंकि वो एक बुक फेयर था और स्टेशनरी रिलेटेड चीज़ें हैं एज वेल, ये भी चीज़ें थी। एंड सम स्टॉल्स वर हैविंग क्विज कॉम्पिटिशन्स, और वहाँ पर छोटे मोटे कुछ स्टॉल्स थे जहाँ पर कुछ क्विज हो रहे थे, कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे। My brother and I participated, sister होना चाहिए था यहाँ पर, कि मेरी sister और मैं participate किया हमने, and she won a prize, she होना चाहिए था, और उसने एक prize जीता। Apart from this,
देयर वर फूड स्टॉल्स एज वेल, इसके अलावा वहाँ पर फूड स्टॉल्स भी थे। वी इंजॉयड द फूड टू, हम लोगों ने वहाँ पर खाना भी खाया। अ फीचर ऑफ द फेयर वॉज स्क्रीनिंग बायोग्राफीज ऑफ ऑथर्स, वहाँ पर एक अच्छी बात मुझे ये देखने मिली कि जो अलग अलग ऑथर्स हैं उनकी लाइफ के बारे में, बायोग्राफी कहते हैं लाइफ स्टोरी को, तो अलग अलग ऑथर्स की लाइफ स्टोरीज को वहाँ पर स्क्रीन पर बता रहे थे। वी वॉच्ड इट फॉर अ व्हाइल, हमने काफ़ी देर उसे देखा। इट वॉज अ वंडरफुल डे फॉर मी एंड माई सिस्टर, ये काफ़ी बढ़िया दिन था मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए। इस तरह से सिस्टमेटिकली आप लोग रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो। हमारे चैनल पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी CBSE 12th एग्जाम्स 2023, वहाँ पर काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियोस हैं जो आप लोगों की 12th इंग्लिश एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगे। ये वीडियो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू।